एक बार कहते कोई सवारी कर भी लगे थे कहते मोढ़ियां तो फड़ के ना इन्होंने मूँह के नाल कहते वो पुट्ठा करके छिड़ता से हम पिछले पास जो घोड़े के दर्शन कर रहे हो यह गुरु गोबिंद सिंह जी सवारी वाला घोड़ा तेना मैं मैनशन करूँगा जरूर वीडियो के आ भाई भी अपने नाल भाई थोड़ा की नाम तेग बहादुर सिंह ओए हो सत श्री अकाल जी सारयां नूं स्वागत करदे आं नवें ब्लॉग नवीं वीडियो दे विच हजूर साहब दे विच आपां पहुँच गए सी जी एक दिन होया आपां नूं ते 12-15 घंटे दी नींद कुट्टण तों बाद हुण असीं आए आं जी शाम नूं बाहर क्योंकि नींद बहुत कट्ठी होई पई सी अज्ज दी वीडियो दे विच सानूं असीं वैसे सचखंड मत्था टेक के आए पर असीं वीडियो नहीं बनाई अज्ज दी वीडियो दे विच सानूं आपां घोड़ियां दे अस्तबल दे दर्शन करवावांगे उस घोड़े दे दर्शन करवावांगे जिहनूं कि गुरु गोबिंद सिंह जी दा घोड़ा कहा जाता गुरु गोबिंद सिंह जी की सवारी वाला घोड़ा कहा जाता है ना वह सारी वो वीडियो में इनफॉर्मेशन देवे बाकी तो कदों उस घोड़े दर्शन करवाए जाते हैं कितने यह अस्तबल बनया हुआ सारा सूँ आप दसांगे अपने पिछले पास इधरले पास ना गुरु गोबिंद सिंह म्यूजियम बनया हुआ तो म्यूजियम के पता कि जिम्मे तस्वीर लगिया हुई इतिहास दियाँ सारिया के लगिया हुई ने म्यूजियम के आप नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो आप पहला भी अपलोड कर चुके हैं पुरानी वीडियो के जाके देख सकते हो हजूर साहब के वीडियो के अज्ज की वीडियो के सिर्फ अस्तबल के गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े के नाल जो होर घोड़े होंगे ने किमें बनया हुआ की माहौल है कहे जे घोड़े ने सारा तुम अज्ज की वीडियो में दिखावे वीडियो में शेयर जरूर कर दियो इंस्टाग्राम सिख ट्रैवलर तो सिद्धू की आई डी इंस्टाग्राम के उत्ते राहगीर ट्रैवलर दोनों फॉलो जरूर कर लिया करो नवी अपडेट वास्ते तो घेंट घेंट रीलों वास्ते हम पहला सूँ आप दर्शन करवा दीए उस अस्तबल के इतने गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा बनया हुआ जी सामने है जी गुरद्वारा बौली दमदमा साहिब तो इधरले पास गुरु गोबिंद सिंह म्यूजियम बनया हुआ इधर सारा इतिहास दर्शाया हुआ तो वह बाई हो रहे जा रहे हैं हाथ मार दे ते सारे हजूर साहब तो ने हजूर साहब तो भी अपन काफ़ी बाइया के मैसेज आए थे मिलने वास्ते तो सामने गुरद्वारा बौली साहब दमदमा साहब के ना हम कीर्तन चल रहा कल गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाने करके इतने बहुत इकट्ठ से बहुत ज़्यादा इकट्ठ कमरे लैन के बहुत दिक्कत आई नहीं तो अगे कमरे जोड़े होंगे ना वो आराम मिल जाते हैं है ना तो अंदर जाके सूँ आप दर्शन मेला करवा दी तो इतों गुरद्वारा बौली दमदमा साहब का इतिहास का बोर्ड भी लग्या हुआ इस अस्तबल के ना बहुत भांत भांत के बहुत तरह तरह के घोड़े ने सारे आप दर्शन करवावे तो इधरले पास पहला इतिहास का बोर्ड लग्या हुआ इतने एक विशाल बौली बनी हुई है जी पुराने समय की तो गुरद्वारा बौली साहब के ना यदा इतिहास यह है कि जिन्हें भी पुराने समय के जिन्हें भी इस जगह के उत्ते नगर कीर्तन कढ़े जाते होंगे सी ना तो गुरद्वारा बौली साहब वाली थान के उत्ते रुक के जाते होंगे सी ठीक है जी तो सारा इतने इतिहास लिखा है बाकी संगतां दी मिठे जल की श्रद्धाई के नाल भी इन्हां दी सेवा की जाती सी इधर जी गुरद्वारा सामने बौली साहब तो यार छोले पे ने यार तुम ये घोड़ों में प्रसाद पाने का छोलों का प्रसाद इतों लैके पा सकते हो यह अस्तबल के गेट के उत्ते ही पे ने तो आ बाइया ना सानू मैसेज आते रहते तो इंस्टाग्राम के उत्ते बाइया का मैसेज आया कि थोड़ू असी मिलना टाइम तो असं मैं बाद दिता हुआ मैं चलो फ्री होकर गल करा पर असं इधर गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा इतने बनया हों ना वो अस्तबल के दर्शन कर आए थे बाई हो रहे सानू उत्थे मिल गए तो भाई नाम की है थोड़ा भगवान सिंह के नाम से बाई ने आपका नंबर भी मैंने भेजा हुआ लिस्ट च है मेरे वो तो आह बाई भी अपने नाल भाई थोड़ा की नाम तेग बहादुर सिंह ओए आ सिरे लाया पै जाव कम चलो ठीक है भाई बाई का नाम कितना सोहना यार बाई का नाम है तेग बाई का नाम है जी भगवान सिंह इतने रहने होना तुम तो लोकल ने बाई ये ठीक है मेरे चालू कहने वीडियो देखते होंगे यूट्यूब भी देखते होंगे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे थोड़ा आज फिर जो करना दर्शन मेला ना ही कर लें है ना तो इधर ना गुरु गोबिंद सिंह जी का जरा सवारी वाला घोड़ा जिन्होंने कहा जाता वो पहले नंबर पर बन्ने लोग उत्थे फोटो खिंची जाते नाल ये नगर कीर्तन वेले कटते हैं है ना बाहर तो सोने की गाठी वाला इधर गुरु साहब के घोड़ा जरा अस्तबल है ना ते उदा इतिहास जा मतलब उदी डिटेल लिखी हुई है इत्थे तुसीं स्क्रीनशॉट लैके पढ़ सकते हो तो चलो गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा तैयार हुंदा ना नगर कीर्तन वेले जां किवें भी मैं तुहानूं एक वारी उहदी तस्वीर दिखाता वैसे तो आपां फोटो पहले अपलोड कीतियां हुई ने एवें तैयार हुंदा जी उहनां दा नाम हैगा अनमोल सिंह जी तो पहले नंबर तो उहनां दा घोड़ा आपां तुहानूं दर्शन करवाउणे आ उपर लिखिया भी होया गुरु महाराज जी का सवारी वाला घोड़ा तो सोने की गाठी पाई जाती है ना सोने की गाठी पाई जाती है तो यह नगर कीर्तन वेले कढ़िया जांदा स्पैशल ठीक है वीरे तो उधर लोग हजे फोटो खिचा रहे ने तो कल भी है ना नगर कीर्तन के घोड़े दर्शन किए थे उदों भी इन्हां दे सोने की काठी पाई हुई सी इधर संगत ने तो नेड़े हो करके दिखा दी एक जगह अच्छा तो सामने गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े है ना सवारी वाले घोड़े दर्शन करवाए नगर कीर्तन में कढ़ा जाता तो कहा जाता कि जो ये ना सोने की काठी पा के नगर कीर्तन के लैके जाते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी हाजर नाजर मन के एक तरह का तुम घोड़े वाल देखोगे ना तो कहते एक तरह दब के चलता है ना तो बाई होना कितने आह ये बाई होना पेज आज की वीरे हॉर्स
ਹਾਰਸ ਟੇਬਲ ਨਾਂਦੇੜ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਇਧਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਧਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵੀਰੇ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅਭੀ 30 ਘੋੜੇ 30 ਟੋਟਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਛੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ 30 ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਠੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਜਰ ਮਜਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 8 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬਛੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੋਟਲ 30 ਘੋੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬਛੇਰੇ ਨੇ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬਛੇਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਬਛੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਧ ਬਛੇਰੇ ਟੋਟਲ 30 ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਜੈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ
इस घोड़े का नाम है जी रौनक सिंह, तो इन्हू कहते खाड़कू सिंह भी कह दें। कोई कहते छेती है किसी को सवारी नहीं कर दिता। एक बार कहते कोई सवारी कर भी लगे से कहते मोढ़ियां तो फड़ के ना इन्होंने मूँह के नाल कहते वो पुट्ठा करके छिड़ता से बंदा, तो मुड़ के फिर किसी ने कहते हिम्मत नहीं की यदि सवारी करने की। बहुत कहते खाड़कू सिंह नाम रख्या हो फिर करके इस घोड़े का। वैसे नाम है जी रौनक सिंह। इधर संगत सारी आई हुई दर्शन मेला करने वास्ते। ये घोड़े का सागर सागर सिंह अच्छा हजे नाम नहीं रखा, यहाँ नामकरण भाई हजे होना। इस घोड़े का नाम नहीं रखे। गुलबाग अच्छा गुलबाग सिंह। ये भाई होर घोड़े जा रहे राज सानू इन्होंने जानकारी देती सी काफ़ी पर कल शॉर्ट नहीं आए। तो भाई होर का पेज आ थोड़े पेज का नाम की सी इट्स स्टेबल हॉर्स स्टेबल है ना। ठीक है मैं मैनशन करूँगा जरूर वीडियो के भाई होर भाई जरूर फॉलो करो जेडे गुरु घर के इतों के जो घोड़े सारे दर्शन करवाने मतलब वो पोस्टा पाने तुम है ना। अच्छा ठीक है वीरे जेडे जिते गुरु महाराज जी का घोड़ा ना अनमोल सिंह उत्तों के जिन्हें भी घोड़े ने उन्होंने पेज से होंगे ने। थोड़ा मैं पेज एक बार मैनशन कर दूंगा आप स्टोरी भी पा देंगे। तो आह घोड़े दूजे ने भी इधरले पास 15, 16, 17, 18 नंबर के घोड़े ने। तो इधरले पास पिछे जे खड़े ने सारे बछेरे ने। तो इधरले पास सारे भाई बछेरे खड़े ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 के नेड़े तेड़े ने। एक एक लत्त बन्नी हुई है मगरों क्योंकि डिग पेंदे होंगे है ना, क्योंकि आदि लत्त है कहते अगले वाली रस्सी च फसा के ना तो डिग पेंदे होंगे फिर सत्त लगन का डर रहा। इधर संगत भाई दर्शन मेला करने वास्ते आई हुई है। ये है जी गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा कह सकते हो या गुरु गोबिंद सिंह जी का सवारी वाला घोड़ा कह सकते हो बाबा अनमोल सिंह जी। आप भी इन्होंने फोटो फाटो खिचाने तो यह सारी संगत इधरले पासे खड़ी है। तो हुण पिछले पासे जिहड़े तुसीं घोड़े दे दर्शन कर रहे हो यह गुरु गोबिंद सिंह जी सवारी वाला घोड़ा। तो इन्हां दा नाम है जी बाबा अनमोल सिंह जी। तो नगर कीर्तन के इन्हां दे उत्ते सोने की काठी पा के ना नगर कीर्तन के इन्हां नूं सजा के लेके जाया जांदा। तो अज हुण इन्हां नूं इशनान कराया जाऊगा। रात नेरा हो गए तां करके असीं दर्शन नहीं करवाए। बाबा अनमोल सिंह जी नाम है जी इन्हां दा। तो एक गल तुहानूं होर दसनी कि बाबा अनमोल सिंह जी जिहड़े कि घोड़े ने गुरु गोबिंद सिंह जी दी सवारी वास्ते वरत्या जांदा, जिन्हां नूं जदों नगर कीर्तन निकलता है ना महला निकलता तो उदों इन्हां नूं दुध दे नाल ते गुलाब दे पत्तियां दे नाल है ना विच मिक्स करके उहदे नाल नहाया जांदा जी। तो उहदे नाल इशनान करवाया जांदा दुध दे दुध नाल ते गुलाब दे पत्ते विच मिक्स करके उहदे नाल इशनान करवाया जांदा। अज असीं इत्थे पहुंचे होए सी क्योंकि अब ना पानी दी प्रॉब्लम चल रही है, पिछे पाइप जोड़ रहे ने कम चल रहा सी इत्थे मिस्त्रियां दा। तो कहिंदे वी नहाउण च थोड़ा जिहा टाइम लग जूगा। उन्होंने सानू कहा भी जे तुसीं वीडियो बनाउणा तां शाम नूं आ जाइओ। तो पहली सानू कल रात नेरा पै गया सी, असीं अज वी शाम नूं सवेरे आ गए। मैं कहा चलो सवेरे वीडियो बना लैंदे आ इशनान करदे दा वी शॉर्ट पा दें किमें इशनान करवाउंदे ने, पर इन्हां ने कहा कि थोड़ा जिहा टाइम लग जूगा। ठीक है यही सी अज दी वीडियो दे विच घोड़ियां दे अस्तबल दे सानू दर्शन करवाए ने। सारे घोड़ियां दे नाम दसे ने जिहड़े जिहड़े घोड़े पंज प्यारे दे नाम उहदे वास्ते जांदे ने है ना सवारी वास्ते। तो एक घोड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी वास्ते जांदा ना, वो इत्थों ही तैयार होकर जांदा। पंज घोड़े उत्ते काठियां पाईआं हुंदियां चांदी दीआं ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा जिहड़ा घोड़ा उहदे उत्ते काठी पाई हुंदी है जी सोने दी। तो यह जो तुम दर्शन करते हो हजूर साहब सचखंड के बाहर जो घोड़ा खड़ा होंगे जी वह घोड़ा इतों ही जाता, पर गुरु गोबिंद सिंह जी वाला घोड़ा उन्होंने सवारी वाला घोड़ा नहीं होंगे। तो नवी वीडियो देना कल फिर हाजिर होंगे सवेरे 9 बजे। ये संगत चैनल नवी जुड़ रही है भाई सबसक्राइब जरूर कर दो। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी।